बोलो ना। हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरी छुट्टी है, तो आज मुझे काम से जाना था। सुबह मेरी हो गई थी, तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। नाश्ते में आज दलिया खाया, दलिया नॉर्मल वाला, सादा दलिया नहीं, दलिया थोड़ा ये डिफरेंट किस्म का है जो हम लोग बनाते हैं। हलीम की तरह होता है, गोश्त नहीं होता लेकिन थोड़ा चेंज होता है। तो आज मैं जा रहा हूँ काम से, क्योंकि अभी सुबह मैं ब्लॉग बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सका, अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो मुझे कुछ काम था। तो मैं जा रहा हूँ, आज का दिन पूरा बाहर ही गुजरेगा। तो आप लोग से भी मैं जहाँ तक जो चीज़ें होंगी शेयर करूँगा, जिस काम से मैं जा रहा हूँ अल्लाह करे वो काम हो जाए, तो फिर आप लोगों से भी मैं डिटेल में शेयर करूँगा कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। तो बाकी मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा आप लोगों से वीडियो, तो हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं क्यों और किस लिए गया हूँ। तो अभी चलें, फ़िलहाल चलते हैं, मुझे जाना है अभी टावर केमाड़ी की तरफ। तो चलें, मैं निकलता हूँ, बाइक पर ही जा रहा हूँ। गर्मी भी है अच्छी खासी, लेकिन फ़िलहाल काम है, करना है, जाना है, तो देखते हैं। फिर बाकी आप लोगों से आगे चीज़ें शेयर करता हूँ। तो चलें चलते हैं, क्योंकि 10 बज गया, अभी जाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो और मज़ीद देर ना हो जाए, तो चले फिर चलते हैं। तो इस वक्त भाई मैं कायदे आज़म के मज़ार में पहुँचा हूँ। यहाँ से तकरीबन घर से आधा घंटा मुझे यहाँ से लग गया यहाँ तक आने में, और अभी और मज़ीद मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने में तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा। तो चले, फ़िलहाल जाना है तो जाना है। यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि बाबा जी की भी थोड़ी वीडियो बना लें। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ, देखें कितनी देर लगती है। वैसे 1 घंटा लग सकता है, हो सकता है कि जल्दी भी पहुँच जाऊँ, क्योंकि अभी यहाँ से सदर आज शुरू हो जाएगा, तो सदर में ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होती है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसी जैसी का पुल ये सामने बना हुआ है, अभी मैं आगे जाके देखता हूँ और बना दूँ वीडियो। ये बना हुआ है सामने, कस्टम हाउस भी बना है, ये पुल की बिल्डिंग है यहाँ पे, ये पूरा केमाड़ी का पुल चल रहा है। ये सामने मेरे PNS बिल्डिंग है। तुम्हारी वीडियो का इंतजाम हो रहा है। बोलो ना। हैप्पी बर्थडे। नहीं ना, कोई एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाए। हाँ, ये बीच वाले को Happy birthday to you. Happy birthday to you. थी मुझे ये तो पता था कि आज मेरी बर्थडे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे ये सरप्राइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बाहर गया हुआ था आज काम से, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग केक ला के सब चीज़ें ये
अरेंजमेंट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों की तरफ से। थैंक यू, वेलकम। ये कब किया था? शाम में मंगवाया। कब शाम में? किससे मंगवाया केक? आपके भैया। मैं समझा शायद सुबह में जब गया था जब मंगवाए रखा होगा सब चीज़ें किया होगा। तो ये अभिषा नमता ने मेरे लिए कार्ड बनाए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये लिखा भी था कुछ डब्बे पे डब्बा डब्बे पे केक मेरे पापा लाखों में एक। थैंक यू अभिषा। और ये है अनमता का कार्ड, तो अनमता ने मेरे लिए बनाया था। थैंक यू ये सब अरेंजमेंट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, सरप्राइज दिया। एक और सरप्राइज है, एक और सरप्राइज। क्या बाहर जाएंगे? बाहर जाए वो तो पता ही था, बाहर जाएंगे। तो फिलहाल ये इन्होंने मेरे लिए सब अरेंजमेंट की थी, मैं बाहर गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये केक मंगा के इन्होंने सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया, पसंद चले, अच्छा लगा। थैंक यू। लास्ट ईयर भी दिया था, याद नहीं है? कश्मीर से वापस आए थे, हमने सरप्राइज किया था उस इत्तेफाक से, उस टाइम उसी दिन आए थे, कश्मीर गया हुआ था। तो चले अभी हम बाहर जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा मेरी फैमिली ने, बच्चों ने और वाइफ ने जो है केक सरप्राइज पहले से सोच के रखा हुआ था। मैं अभी बाहर गया हुआ था काम से, तो वापस आया तो थका हुआ था, सो गया। तो अभी उठा तो मैं एकदम से इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया बर्थडे का। मुझे ये तो पता था कि आज मेरी बर्थडे है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग सरप्राइज़ पहले से सोच के रखे हैं। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट ईयर भी मैं इत्तेफाक से, जब मेरी बर्थडे थी उससे तकरीबन एक हफ़्ते पहले मैं कश्मीर में था, मदरीन लॉ के साथ गया था, कुछ ज़मीन के मामला थे। तो जिस दिन मैं यहाँ पे घर पहुँचा उस दिन मेरी बर्थडे का दिन था, तो उस दिन भी इन लोगों ने सब इसी तरह से सारा सरप्राइज़ डिज़ाइन करके रखा हुआ था। तो एकदम से सरप्राइज़ दिया, तो अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि इस तरह से कभी होता नहीं है मेरे ख्याल से, ये सेकेंड या थर्ड टाइम है। तो चले अच्छा लगा, तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो। बर्थडे थी जो सरप्राइज़ मेरी फैमिली ने दिया, बच्चों ने और वाइफ ने, तो उसके लिए मेरी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़, मज़ा आया। आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे तो मेरी तरफ से थैंक यू, शुक्रिया, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। तो फ्रेंड्स हम खाना खा के वापस आ गए, तो टाइम अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, काफ़ी टाइम लग गया। हमने जाना कहीं और था लेकिन चले कहीं और गए। अभी हमने जाना था पिज़्ज़ा मंच पे, मेरे घर के पास है, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पर हो रही थी किसी की बर्थडे पार्टी। तो दो पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी पार्टी चल रही थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो रश था काफ़ी, उन्होंने वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने रोका तो था कि थोड़ा आप रुक जाएँ तो जगह बन जाएगी, लेकिन फिर हमने सोचा कि मज़ा नहीं आएगा इस तरह से, रश काफ़ी हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलें फिर बाद में ट्राई कर लेंगे। तो इसलिए फिर हमने इरादा चेंज कर लिया, फिर दूसरी तरफ चले गए, तो वहाँ पे फिर हमने खाना खा लिया। तो चलें फिर अब नेक्स्ट टाइम जब जाना होगा तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगा मैं वहाँ की वीडियो। तो अभी टाइम हो गया, काफ़ी थक भी गए, तो आराम करते हैं। अभी तकरीबन 12 बज गए, तो वीडियो एडिट करके फिर मुझे अपलोड भी करनी है। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।